स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगली वीडियो एक अपलोड करने वाला हूँ, पेटीएम मनी गिव अवे करने वाला हूँ, तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इनके ओपनर्स की। तो डेविड वार्नर इनकी तरफ से लगभग तय है ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि इनका बैन भी खत्म होने वाला है और ये क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरी तरफ रिद्धिमान साहा भी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके मिडिल ऑर्डर की। अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो केन विलियमसन नंबर 3 पर 100% दिखने वाले हैं, तो वहीं मनीष पांडे नंबर 4 पर और नंबर 5 पर दीपक हुड्डा हमें दिखाई देंगे। अगर बात करें केन विलियमसन की तो हो सकता है इस साल केन विलियमसन हैदराबाद की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आए, क्योंकि अगर डेविड वार्नर का ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्शन हो जाता है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, तो वो आधे सीजन में ही वापस लौट जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे हालात में केन विलियमसन हैदराबाद की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अब अगर बात की जाए हैदराबाद के ऑलराउंडर्स की तो इनके दो ऑलराउंडर्स प्लेइंग 11 में हिस्सा होने वाले हैं, वो है साकिब अल हसन और यूसुफ पठान। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए हैदराबाद के सबसे मजबूत पक्ष यानी कि गेंदबाजी की, तो नंबर 8 पर राशिद खान जो अच्छी खासी बैटिंग भी अब करते हैं, वहीं नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर खलील अहमद और नंबर 11 पर सिद्धार्थ कौल हमें दिखाई देंगे। हम सभी जानते हैं कि इनकी गेंदबाजी पूरी टीम में से सबसे अच्छी गेंदबाजी हैदराबाद के पास है। ये किस तरह के गेंदबाजों के साथ उतरते हैं, इनके पास बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज है, तो वहीं स्पिन किंग यानी कि राशिद खान हमें दिखाई देंगे। तो अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन बैकअप की, तो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे मार्टिन गप्टिल और रिकी भुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके विकेट कीपिंग बैकअप के तौर पर हमें दिखाई देंगे जॉनी बेस्टो और श्रीवत्सव गोस्वामी, तो वहीं ऑलराउंडर्स बैकअप के तौर पर हमें दिखाई देंगे विजय शंकर और मोहम्मद नबी। अब इनके बॉलिंग बैकअप की बात करें जो अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, जहां टी नटराजन, थम्पी, संदीप शर्मा, बिल्ली स्टैनलेक और शहबाज नदीम भी हमें इसी लिस्ट में दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, जहां मैंने आपको बता दिया सनराइजर्स हैदराबाद की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 और बैकअप्स प्लेयर के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियो लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप चाहे तो नीचे कमेंट करके मुझे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।